उबर कैसे रूल्स और रेगुलेशन से बचने का जुगाड़ लगाती रही है, ये सुनकर आपको झटका लग सकता है। 2015-16 में नए शहरों में मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए उबर गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से बहुत से इश्यूज फेस कर रही थी, लेकिन चुपचाप बैठ के अप्रूवल्स के वेट करने की बजाय उन्होंने कई कंट्रीज में समवॉट इलीगल ऑपरेशन शुरू कर दिए, वो भी अपनी खुद की ही ऐप के एक डमी वर्जन के थ्रू। उबर का एक घोस्ट वर्जन ग्रे बॉल ये पता लगाता था कि उबर को किसी गवर्नमेंट ऑफिस लोकेशन से तो ऑर्डर नहीं किया गया, या ये कि बुकिंग में यूज किया हुआ क्रेडिट कार्ड किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लिंक तो नहीं है, क्योंकि उन्हें एक खास नंबर पैटर्न से पहचाना जा सकता। कमाल की बात ये भी कि ऑफिशियल से खरीदे गए स्मार्टफोन्स का पता लगाने के लिए इन्होंने फोन स्टोर्स भी विजिट किए ताकि उनको आइडेंटिफाई करके उन पे भी ग्रे बॉल वर्जन चलाया जा सके। अगर किसी यूजर के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल होने का शक हुआ तो बस उसके फोन पे बिल्कुल असली उबर ऐप की तरह दिखने वाली नकली वर्जन को लॉन्च कर दी, जिसपे आसपास कैब्स भी दिखती थी बट कोशिश जितनी कर लो हर बार कैंसिल हो जाती थी क्योंकि नकली कैब्स थी ना। बाकी सब्सक्राइब बटन असली दबाते जाइए प्लीज।